नमस्कार। आज जो मैं घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कल की ओपीडी की है। कल ओपीडी में एक अराउंड 40 इयर्स की फीमेल अपने बच्चे के साथ आई। बच्चे की उम्र अराउंड 12 साल थी और उनकी कंप्लेंट ये थी कि सर डॉक्टर साहब देखिए, उनके शब्दों में ही बताता हूँ कि डॉक्टर साहब देखिए, ये बच्चा कल से बोल नहीं रहा है और रोए जा रहा है और कह रहा है मेरे सिर में दर्द है। तो पहले मैंने टेस्ट किया, टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आए, बिल्कुल ठीक आए। तो फिर मैंने कहा बेटा क्या बात है, कोई टेंशन है? तो बच्चा बोलता, उससे पहले उसकी मदर ने बोला कि सर इसको टेंशन कैसे हो सकती है, इसका नाम ये है। उन्होंने मेरे को नाम बताया और ये तो बहुत फेमस है सर, ये ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहा है और ओलंपिक में इसको मेडल आने के चांसेस हैं, आप इसको जानते होंगे, इसको सब जानते हैं, और ये तो स्ट्रोंग बच्चा है और ये डर नहीं सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बार आप मुझे इससे बात करने दीजिए। मैंने दोबारा पूछा बेटा कोई प्रॉब्लम हो आपको, क्लास में कोई दिक्कत हो? तो उनकी मदर ने बोला नहीं सर, ये स्कूल नहीं जाता है, ये केवल कोचिंग के लिए जाता है स्पोर्ट्स की, वहाँ पे इनकी स्पेशल कोचिज हैं, कोचिज भी स्पेशल हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और ये बहुत ब्रेव है। दोबारा उन्होंने इसको बताया कि बहुत ब्रेव है। तो जब उन्होंने 3-4 बार ये बात बोली कि इसको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो मैंने कहा कि देखिए माता जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं भाई बच्चे को ये ब्रेव है ब्रेव है, इस बच्चे की तो सोशल लाइफ नहीं है, ये स्कूल में नहीं जा रहा है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, कोचिंग में भी स्पेशल एक कोच लगाए हुए हैं जो कि केवल उसके साथ रहते हैं, वो बहुत ही प्रेशर में है, और आप इतना प्रेशर डाल रहे हो कि इसको ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक में जाना है, इतना प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाते हैं। वो एक बच्चा है, वो एक रोबोट नहीं है, आपने उसको रोबोट बना दिया है, आप उसकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करेगा? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी फीलिंग शेयर की, ये कुछ बताए, लेकिन आप बार बार मुझे रोक रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पास साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और बच्चे को चाहे ना लेके जाए, आप खुद जाएँ, क्योंकि आप खुद आपकी लाइफ के जो बचे हुए इच्छाएँ हैं या आपके जो एम है इस बच्चे पर थोप रहे हो। इस बच्चे को खुला छोड़िए, इसको स्कूल जाने दीजिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, खेल लेगा अच्छी बात है, इतना प्रेशर डालना बच्चे पे ठीक नहीं है। इस उम्र में ये जो एज है बहुत ही टेंडर एज होती है, इसमें एक बार जो प्रेशर आ गया, फुल लाइफ बच्चा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगा, उसके ये जो ट्रोमा होता है चाइल्डहुड ट्रोमा इसको बोलते हैं, इंडिया में हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को कैसे भी डांट दिया, कितना भी उस पर प्रेशर डाल लिया, कितना भी उस पर डिसिप्लिन लगा दिया, लगा के रखते हैं, बड़े होके बहुत तंग होते हैं। अब मान लीजिए वो बच्चा ओलंपिक का कोटा नहीं ले पाया, ओलंपिक में कुछ नहीं जा पाया, उसकी लाइफ क्या बचेगी? स्कूल में वो गया नहीं है, पढ़ाई वो कर नहीं पा रहा है, वो एक तरह से फेलियर हो जाएगा खुद की लाइफ में, और ब्लेम कौन करेगा? उसके पेरेंट्स उस बच्चे को ही करेंगे, बच्चा कुछ ब्लेम नहीं कर सकता, वो तो बेचारा अभी भी नहीं बोल पा रहा है। तो जरा आप रुकिए, सोचिए, आपका बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसको वहाँ जाने दीजिए, और आपको लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी में अच्छा है, तो उसको टाइम अपने आप बता देगा वो क्या कर रहा है, उसको रोबोट मत बनाइए, इतना प्रेशर मत डालिए। कल की एक घटना बहुत डिस्टर्बिंग थी, मैं पूरा दिन सोचता रहा। माता जी को मैंने दोबारा से अकेले में समझाने की कोशिश की कि माता जी आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। तो माता जी ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये वीक कैसे हो सकता है? तो मैंने जितनी कोशिश की मैंने समझाई, तो मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो से मैं और पेरेंट्स को भी बताऊं कि इतना प्रेशराइज मत करिए बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ओलंपिक में चला भी गया, उसने गोल्ड जीत भी लिए, आपको एक बहुत अच्छे फेमस स्विमर हैं माइकल फिलैप जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते रहे, और बाद में बताया उन्होंने कि वो उनको सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, तो उनके साथ भी ऐसा ही था, बचपन से एक कोच के साथ रहते थे, इतना प्रेशर झेलते थे, प्रेशर झेल लेते थे, एक बार वो एक हार गए, तो उस हारने के बाद वो सारा सब उभर के आया, और फिर बाबू की वापसी बहुत मुश्किल थी, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने वापसी की। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, उन्हें थोड़ा कूल रहने दीजिए, ये उम्र टेंशन फ्री रहने की है, बड़ी लाइफ में टेंशन आएंगी आएंगी, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू।